मैं लखनलाल पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत धारूखेड़ी। मेरे द्वारा मेरे कार्यकाल में रोजगार गारंटी से 35 लाख का काम, SGSY बाजार हाट 5 लाख का काम, CC रोड 7 लाख का काम और कपिल धारा कूप निर्माण, इंदिरा आवास, अपना घर योजना और शासन की जो भी योजनाएं थी वो सब मेरे द्वारा कराई गई। नरेगा योजना का मेरे गांव में अच्छे से उपयोग हो रहा है। मैं श्रवण कुमार पंखाने, सचिव ग्राम पंचायत धारूखेड़ी। विगत में 15-16 साल से हूँ और पंचायत में अभी तक जितना भी अभी नए सरपंच साहब जो आए हैं इनके कार्यकाल में कम से NREGS में हमने पैंतीस 40 लाख के करीब काम करवा चुके हैं और इंदिरा आवास में भी हमने 10 कुटीर सरपंच साहब के द्वारा बना चुके हैं, अपना घर दो दे चुके हैं, किचन सेट बना चुके हैं, शौचालय शाला में काम करा चुके हैं। समग्र स्वच्छता में भी हमने करीब 60-70 शौचालय का निर्माण दोनों गाँव में किया है, चिपीपुरा दारूखेड़ी जुम्मा। और निर्मल लीला हमारा 3 है जो चल रहे हैं, 2 तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जुम्मर खाली का वहाँ पानी बहुत बड़ी समस्या थी, वो तत्काल वो व्यवस्था अच्छी। दूसरा गाँव में CC रोड की परेशानी थी तो इस सरपंच साहब के आने से कम 7-8 लाख के हमने CC रोड बना चुके हैं और आम आगमन लोगों का अच्छी सुविधा का सामना हुआ भरा है। और ये दूसरा नहीं है, पेंशन में जितना है अभी 86 लोगों को पेंशन मिल रही है, हमारे 7-8 विकलांग जने भी है। और दूसरा नहीं है कि अभी जो कलेक्टर साहब ने जो करा है पंचायतों का रख रखाव और ये वगैरह साफ सफाई का, उसमें सौंदर्यीकरण का भी, उसमें भी हमें अच्छा काम अभी कर रहे हैं और प्रयास हैं उसमें। और हमारे जो भी अभी जो नए और अभी मजदूर है उसमें अभी 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 जो मई और जून में हमने काम कराया करीब करीब 2-3 लाख का भी काम करा चुके वहाँ जब वहाँ आए। लेबर पेमेंट भी बिल्कुल हम तत्काल लेबर पेमेंट करवा रहे हैं, काम भी यथाशीघ्र हो रहा है, बहुत त्वरित गति से काम किया जा रहा है और आगे भी हम अच्छे करने का प्रयास करें। और ग्राम धारूखेड़ी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। सुबह 8 बजे आंगनबाड़ी खुलती है, आंगनबाड़ी खुलने के बाद में यहाँ की साफ सफाई करवाते हैं, उसके बाद में बच्चे बुलवाते हैं, बच्चे बुलवाने के बाद में बच्चे से प्रार्थना करवाते हैं और फिर नाश्ता करवाते हैं बच्चों को, निर्मल जैसे मुँह हाथ धुलवा के नाश्ता होने के बाद में उनको अनौपचारिक शिक्षा देते हैं हम, जैसे कहानी कविता गीत के माध्यम से ABCD अलार्म वगैरह सब पढ़ाते हैं। साढ़े मतलब उसके बाद में हमें ना बच्चों को भोजन कराते हैं, भोजन करवाने के बाद में बच्चे घर छुड़वा देते हैं, उसके बाद में गृहवेट देने जाते हैं। गृहवेट में गर्भवती माताएं, धात्री, किशोरी बालिकाएं, अति कम बच्चों की माताओं से गृहवेट में समझाई देते हैं कि बच्चों को कैसा पोषण आहार खिलाना चाहिए, अपने घर जो पर्याप्त है उसी में ही सभी अच्छा सा पोषण आहार बन सकता है, ऐसे समझाई देते हैं, उनको विधि भी बताते हैं। उसके बाद में टेक होम की भी सलाह देते हैं कि भाई टेक होम समय से लेने आया करो, टीकाकरण के बारे में बताते हैं और प्रसव के बारे में बताते हैं महिलाओं को, गर्भवतियों को कि अस्पताल में प्रसव करवाओ, वहाँ पे आपको राशि भी मिलेगी 1400 रुपये और सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, जननी एक्सप्रेस गाड़ी आशा कार्यकर्ता के द्वारा बुलवाते हैं। शासन की सभी योजनाओं का लाभ गांव में बराबर मिल रहा है, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना में बहुत लोगों को NSC में बढ़ चुकी है, हमारे यहाँ प्रथम NSC द्वितीय और तृतीय तक आ गई है और कम से कम 35 से ज़्यादा भी गए। इसके बाद में भी सारी योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है, यहाँ पे सचिव, सरपंच और आंगनबाड़ी आशा सभी के द्वारा अच्छे से काम चल रहा है। मैं निर्वेदास पाटिल, छिपीपुरा रहता हूँ, ग्राम पंचायत धारूखेड़ी। ये कपिल धारा कुआँ मिला है शासन की ओर से, इसलिए मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे से रोजगार चल रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मैं सुइया बाई हूँ, धारूखेड़ी ग्राम पंचायत, शासन द्वारा ये खुटी मिली है, मैंने बनाई। इंदिरा आवास के योजना से मुझे खुटी मिली है, परिवार सही तो अच्छे से रह रहे हैं, इसलिए मैं शासन द्वारा सरपंच और सचिव को धन्यवाद करती हूँ। भागरथ भाई हूँ,
ग्राम पंचायत धारूखेड़ी में रह रही हूँ। अपना शासन द्वारा, अपना वार्ड शासन द्वारा मिला है। अपना पति चंपालाल का नाम से मिला है। परिवार में अच्छा रह रहा है, घर में मकान में दगमग मखिया। सचिव सरपंच का धन्यवाद। मैं रमाबाई ग्राम पंचायत धारूखेड़ी में रहती हूँ। शौचालय मिले है और मेरे परिवार इसी में सोच कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। और कही मैं सचिव सरपंच धन्यवाद करता हूँ। मैं मंजूबाई ग्राम पंचायत धारूखेड़ी में रहती हूँ। मेरी लड़की का लाडली योजना में नाम करवाया गया है, तो मैं सचिव सरपंच और मैडम को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम आत्माराम रंगीले, पिताजी का नाम रामेश्वर रंगीले। मैं ग्राम धारूखेड़ी पंचायत में मतलब ग्राम में रहता हूँ और मुझे पंचायत द्वारा, मैं विकलांग पेंशन में हूँ, मुझे 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिलती है। ग्राम पंचायत धारूखेड़ी वसुबाई है, मतलब 375 रुपया मतलब मिलती है पेंशन। मान कहती हूँ सचिव सरपंच का धन्यवाद। मैं सैया बाई धारूखेड़ी ग्राम पंचायत में रहती हूँ। मुझे शासन के द्वारा 200 रुपये महीने विधवा पेंशन मिलती है। मैं सचिव और सरपंच का धन्यवाद करती हूँ।